द वोल्टेज वी करंट आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 आर शोन इन द फिगर द रिलेशन बिटवीन T1 T2. तो T1 T2 के बीच का हमको रिलेशन पता करना है कौन सा ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है. सो इन दोनों केसेस में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा. अच्छा, यहाँ ग्राफ दिया है वोल्टेज करंट का, ये ग्राफ हम काफी पहचान चुके हैं. अरे ये तो पड़ोस में तो रहता है, परसों मिले थे इसे, अच्छा कल ही मिले थे, आज भी मिले इसे. सो रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ के थ्रू वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू वी बाय आई. ये रेशो जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना, ये रेशो बराबर है एंगल टेन थीटा के, बराबर. तो टेन थीटा की वैल्यू यहां पे, टेन थीटा किसे कहते हैं, टेन थीटा का दूसरा नाम स्लोप. जिसका स्लोप जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा. ये लाइन और ये लाइन, इसको मैं नाम देता हूं लाइन नंबर वन, इसको नाम देता हूं लाइन नंबर टू. इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है, टेन थीटा किसके लिए ज्यादा होगा, तो इसका स्लोप कम इसका स्लोप ज्यादा. जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा. सो आर टू ये बड़ा होना चाहिए किसके कंपेयर में, आर वन के केस में. दैट मीन्स टी टू शुड बी ग्रेटर देन टी वन. सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट होना चाहिए, टी वन शुड बी ग्रेटर देन टी वन, टी टू शुड बी ग्रेटर देन टी टू, टी टू शुड बी ग्रेटर देन टी वन. जब मैं स्कूल के अंदर था ना तो मुझे समझ ही नहीं आता था इस सिंबल को पढ़ना कैसा, मतलब समझ ही नहीं आता था वो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा. तो हमारे टीचर ने कहा था जिधर गड़ा होता है उधर बड़ा होता है, तो यहाँ देखो ये गड़ा है, तो जिधर गड़ा उधर बड़ा होता है. ओके, सो आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं.